आज यहाँ पे नमोडू एरिया में जो कि दिरांग छितरी में आता है, यहाँ में हम लोग ने कमिंग कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। और ये जो म्यूजियम जो यहाँ पे आज इतना सुंदर म्यूजियम जो बनके तैयार है, उसको लेके अपना इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और साथ ही साथ अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज उसका काफी योगदान है। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को और भी लोगों तक लेके जाने में ये कमिंग कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम काफी अच्छा रोल प्ले करेगा। इस म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी जो ट्राइब्स है उसको दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है, और खास करके जो अरुणाचल प्रदेश का जो भौगोलिक जो जो पोजिशनिंग है वो इस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाला दिनों के लिए भी। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑडिटोरियम भी, एक थिएटर हॉल भी बनाया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री के बारे में और पहले जमाने में किस प्रकार से था, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज अपना टूरिस्ट लोगों को शोकेस करने के लिए एक ऑडिटोरियम भी बनाया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आज उद्घाटन होने के बाद में अभी जितने भी जो पर्यटक जो टूरिस्ट आएंगे इस म्यूजियम में आने के बाद में अरुणाचल प्रदेश के बारे में और भी उन लोगों को इन डेप्थ नॉलेज उन लोगों को मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव के लिए मैं अपने राज्य सरकार की ओर से इंडियन आर्मी को मैं बधाई देता हूँ, साथ साथ यहाँ के जो लोकल जो विधायक है, यहाँ के जो लोकल जनता है और यहाँ के जो प्रशासन है, सभी लोग ने बहुत अच्छा यहाँ पे योगदान दिया है इस कमिंग म्यूजियम को लेके। सर आज वेरी हिस्टोरिक डे, 23 अक्टूबर आज का दिन में जोगिंदर सिंह का मतलब हुआ था, शहीद हुए थे, और आज का दिन इस म्यूजियम में 1962 वार का भी कुछ सामान यहाँ पे जुड़े हुए बोले आपके अपने भाषण में, क्या क्या चीज यहाँ पे रखा गया है और क्या क्या है यहाँ म्यूजियम में? बेसिकली यहाँ के जो इस सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के कल्चर को डिस्प्ले करने का ज्यादातर यहाँ पे कोशिश किया गया है, और 62 का कुछ अपना वार का कुछ रिमेन्स भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, आप लोग भी जाके उस म्यूजियम में आप लोग देख सकते हैं। और आप सबको पता है कि 1962 में जो युद्ध हुआ था, आज के ही इसी समय में ही युद्ध हुआ था। तो देखिए, मेरा हमेशा कहना ये है कि अभी उस जमाने का भारत नहीं रहा है, 1962 का भारत नहीं है, अभी एक डेवलप्ड एक भारत के रूप में हम लोग उभर के आए हुए हैं। बल्कि ये कहते हुए मगर मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं युद्ध लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, देने का मतलब वो पुराना भारत नहीं रहा है, अभी भारत काफी आगे चल पड़ा है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, बॉर्डर एरियाज में बहुत अच्छा फोकस वे में डेवलप हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो शुरुआत किया है, अभी इंडियन आर्मी के जरिए से हमारा जितने भी जो फॉरवर्ड एरियाज में जो बॉर्डर विलेजेस है, एक जमाने में जो लास्ट विलेज कहता था वो आज फर्स्ट विलेज के तौर पे उसको देखा जाता है, तो उस प्रिज्म से हम लोग अभी इवन गांव तक बॉर्डर एरिया को भी डेवलपमेंट लेके जाने में हम लोग सक्सेसफुल हो रहा है। विलेज है सर फर्स्ट विलेज, फर्स्ट फेज में कुल मिला के अराउंड 465 विलेजेस जैसे है, उसमें अभी रोड का काम चल रहा है, करीबन मोर देन 1000 प्लस किलोमीटर का रोड लेंथ बन रहा है। इसके अलावा फिर हमारा स्किलिंग में भी काफी उसमें काम चल रहा है, और लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन लोगों का भी काफी मदद दे रहा है, और इंडियन आर्मी के साथ में बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को और भी लेके जाने के लिए, ताकि वहाँ का लोगों को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम होने के लिए, तो इंडियन आर्मी के साथ में इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक कमिंग कल्चरल हेरिटेज म्यूजियम में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी खुशी है कि पुराने अपने हेरिटेज को रख के अपने लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जिस तरह से ये हेरिटेज बनाया गया, निश्चित में इंडियन आर्मी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी जब आएगी तो इसको देखेगी और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का इससे बेहतर, समाज को एक संदेश देने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता है। टूरिज्म पोटेंशियल इससे बढ़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पे वैसे भी टूरिज्म के क्षेत्र में अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत मनोहर दृश्य है, टेम्परेचर है, हिल्स है, फॉल्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बनने के बाद टूरिज्म का और भी फ्लो होगा, और जो टूरिज्म के लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे इस जगह, वो जब जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो निश्चित तौर पर लोग जाके दूसरी जगह बताएंगे, उससे निश्चित तौर पर टूरिज्म यहाँ पर और इन्हांस होगा। बिल्कुल एकदम करेगी, हमारी दोनों देश पूर्ण रूप से हेल्प कर। मतलब तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए,
एटलीस्ट हम लोग जो 1962 में जो जो जिन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया उसके हम लोग उसको याद में मतलब रखते हुए उसके लिए एक म्यूजियम हम लोगों ने ये यहाँ पे बना के दिया है। तो इसमें ये म्यूजियम केवल मतलब उन शहीदों के लिए नहीं बल्कि यानी बाकी अरुणाचल के जितने भी जो हमारे अदर ट्राइब्स है वो तो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा खान पान कैसे, हमारा वेशभूषा कैसे, मतलब तो बहुत तो ये म्यूजियम आने वाले दिनों में मतलब एक दिरांग के मतलब हम जब बात करते हैं तो एक कस्टमिन वो भी रहेगा कि टूरिस्ट को मतलब ये भी मतलब अट्रैक्ट करेगा। फंडिंग कैसे इसका फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से भी हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हुआ और मेरा तरफ से मेरा अब तक मेरे सरकार की तरफ से नहीं बल्कि मेरा अब तक काफी चाइनीज आर्मी को मारा और हमारा भी जवान काफी शहीद हुआ। तवांग मैराथन को लेकर आपका क्या मैसेज है, पीस एंड यूनिटी का मैसेज? हाँ तो क्या कहेगा अभी वहाँ पे सेम सब कुछ लौटने जा रहा है तो इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है।